तो तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटें शामिल हैं। लेकिन जो सबसे हॉट सीट है वो है मैनपुरी की करहल सीट, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की साख दांव पर लगी है। उनके सामने है भाजपा से एसपी सिंह बघेल। दोनों दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसी ही तीसरे चरण की कुछ और सीटों के समीकरण भी आपको दिखाएंगे। पहले करहल पर ये रिपोर्ट देखिए। करहल की लड़ाई न देखी तो समझो यूपी चुनाव के रोमांच से रूबरू ही न हो। अखिलेश यादव को जिताने के लिए खुद मुलायम सिंह यादव मैदान में उतर आए तो अमित शाह से लेकर एसपी सिंह बघेल तक ने अखिलेश पर चुभते हुए हमलों की बौछार कर। अब मुझे बताओ भाई, आगाज़ ऐसा है तो अंजाम क्या होगा? क्या होगा? कोई बाहुबली आपको परेशान कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? ये आजम खान कहाँ है आज? अरे जोर से बोलो, कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? अगर सपा सरकार बनी तो जेल में रहेंगे क्या? बात उन्होंने कही थी कि हमारा सर्वर कार्यकर्ता लड़ेंगे, तो भैया डिंपल यादव यहाँ पैर छूते क्यों घूम रही है? धर्मेंद्र यादव यहाँ वोट मांग रहे हैं, अक्षय यादव पूर्व सांसद यहाँ वोट मांग रहे हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह को तो ये कहा गया है कि भैया चुनाव फंस गया है, कोई भैंसिया बुकरिया और छिड़िया भी न रहने पाए, सबके पैर छू डालना। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने भी इन हमलों पर जमकर पलटवार किया, गिन गिन कर चुभते हुए तंज किए, अपने समर्थकों से कहा भाजपा की साजिश से सावधान रहना और सिर्फ अपने वोट दे देना, सिर्फ इतना ही कर दो तो यूपी विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी जीत अपने नाम दर्ज हो जाएगी। जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहाँ आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। अगर आप वोट डाल दोगे, केवल आप वोट डाल दोगे, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत करहल की जनता समाजवादी पार्टी को दिलाएगी। आज हर वर्ग आपके साथ है। अखिलेश के हर हमले पर एसपी सिंह बघेल ने जमकर पलटवार किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को करहल में आर पार की चुनौती देने उतरे बघेल ने कहा कि करहल सपा का ऐसा दुर्ग नहीं जिसे ढहा न जा सके। गृह मंत्री ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, उन्होंने कहा कि 300 प्लस के मुख्य हीरो सुपर हीरो आप ही हैं, आपको जिता दे तो सारा मामला क्लियर है। निश्चित तौर से ये चुनाव हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थी को लेकर के, और दूसरी तरफ 12 से 17 के मंजर लोगों को पता है कि कोई प्लॉट सुरक्षित नहीं होता था करहल में, मकान बेटी बहू भैंस तक सुरक्षित नहीं होती थी। अगर गांव में भैंस को रखाते थे तो ट्यूबवेल की मोटर चोरी हो जाती थी, और ट्यूबवेल रखाते थे खेत में तो घर से भैंस चोरी हो जाती थी। तो उनका सही कहना है कि समाजवादी पार्टी यहीं सेफई में रहती है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर यहाँ आ गए हैं उनको हरा करके अपने आप काम आधा हो जाएगा। फिरोजाबाद में उनकी धर्म पत्नी डिम्पल यादव क्यों हारी? राजबब्बर के बस्ते नहीं लगे थे, लेकिन राजबब्बर जीत गए थे। जिस कांग्रेस को 5,000 वोट 2 महीने पहले मिले थे वो 3 लाख से पहुंचे, और डिंपल जी 1 लाख वोटों से वो चुनाव हारी। दूसरी बात है, ऐसे ही धर्मेंद्र जी कहते होंगे बदायूं में बस्ते नहीं लगेंगे, बूथ पर भूत नहीं आएगा। मेरी भतीजी संघमित्रा मौर्या ने बदायूं का किला तोड़ा, अखिलेश यादव ने जब सीएम बनने के बाद एमपी से इस्तीफा दिया, कन्नौज में बाई इलेक्शन हुआ, डिंपल यादव निर्विरोध हुई, और वोट की चोट देखिएगा और डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी कहूँगा कि इसके बाद जो वो अर्श पे पहुँची थी 2019 में सुब्रत पाठक से हार के फर्श पे आ गई। एबीपी गंगा से बातचीत में एसपी सिंह बघेल ने सपा को चुनौती देते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी करारी हार के इतिहास को फिर दोहराने जा रही है।
श्री चंद्र सेन यादव जो अभी मंच पर बैठे थे, उन्होंने शिवपाल यादव और अक्षय यादव दोनों को एक साथ हराया है। तो डिंपल जी को दो जगह से हारने का अवसर मिला है फिरोजाबाद। उसके पहले आप ही लोग गढ़ बताते थे, जैसे आज बता रहे हो अगली कड़ी में करहल शामिल हो जाएगा। अपराध जहाँ से पलता पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, जहाँ से अपराध को खाद पानी मिलता है, जहाँ पर इस इलाके की भैंस सुरक्षित नहीं रहती है, कान के कुंडल सुरक्षित नहीं रहते हैं, सब्जी लेने के लिए शाक लोग अगर जाते हैं बेचने के लिए तो उसमें से एक लौकी छीन ली जाती है, मनरेगा मजदूर से पैसे छीन करके शराब पी जाती है, मेरा आशय उन्हीं लोगों से है जो लोग ऐसा करते हैं। तमाम सियासी वार पलटवार के बीच करहल में एबीपी गंगा ने अपने कैमरे पर सपा और भाजपा के समर्थकों की राय को भी कैद किया। अपने अपने नेताओं और उम्मीदवारों के भाषण से इनका जोश आसमान पर दिखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि एसपीसी बघेल आए, उनको चारपाई बैठालना, उनसे पूछना कि आपने जो आपका संकल्प पत्र था, घोषणा पत्र था, वो कहाँ गई, नौकरी कहाँ गई, बिजली की समस्या कहाँ गई, किसानों से जो एमएसपी भी वो कहाँ गई, इन चीज़ों से पूछना। तरफा चुनाव है यहाँ, जो जिस तरीके से आप उबाल देख रहे हो, इनसे जो बात हुई वो कह रहे हैं हमारा तो सौभाग्य है कि हमें एक एमएलए नहीं एक मुख्यमंत्री चुनने का मौका मिल रहा है। मेल ना पाएगा, कुछ खेल ना पाएगा, साइकिल की टक्कर योगी बाबा झेल ना पाएगा, जोश और जुनून है। बहुमत से एकदम पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार जबरदस्त बनने वाली है। पिता का सारा बेटा नहीं बना, लेकिन बेटे को पिता का सारा लेना पड़ा करहल में। लास्ट में जब पता चला कि दुर्ग खिसकता नजर आ रहा है तो पिलर के रूप में मुलायम सिंह यादव जी को खड़ा करने के लिए ले आए हैं, लेकिन हम निश्चित मानिएगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है। ये बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, प्लॉटों में कब्जा कर लेते थे, पैसा छीन लेते थे, मजदूर पैसा करके पैदा करके ला रहा है, पौआ के लिए पैसे छीन लिए चौराहे पर। उन्होंने पूरा सैफ ही लेखपाली में लगा दिया, जब पिछली जो भर्ती आई थी एक एक घर में 7-7 लाख रुपए लेके पूरा गांव लगा दिया है, पूरा गांव लेखपाल बन गया। हाँ, पूरा गांव लेखपाल है। और ये लोग कह रहे हैं कि हमने सबको रोजगार दिया है, कहाँ से रोजगार दिया है। करहल में 20 फरवरी को वोटिंग है, ऐसे में सपा और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक की कोशिश जीत के इतिहास को दोहराने की है तो दूसरे की कोशिश इतिहास को नया मोड़ देने की। एबीपी गंगा के लिए करहल से नितिन उपाध्याय के साथ अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट।